क्यों कोई मारता बेजुबानों को, क्यों कोई मारता बेजुबानों को। प्यारे दुनिया में अगर होता तो, प्यारे दुनिया में अगर होता तो। हाय गाइस, आई एम जेसिका फ्रॉम पेट डेस्टिनेशन। यस्टरडे मुझे एक व्हाट्सएप पे जस्ट एक मैसेज आया था, दैट वाज द वीडियो मैसेज। आफ्टर सीइंग दैट मैसेज ना, दिल सच में दिल इतना रोया और दिल ने कहा कि इस दुनिया को ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते इतनी प्यारी इतनी ब्यूटीफुल दुनिया में जीने के लिए। सच में हम लोग बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। मैंने उस वीडियो में देखा एक आदमी है और उसे उसकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कह लीजिए टीम की तरह हैं। एक वीडियो शूट कर रहा है, एक के हाथ में मीट काटने वाला औजार है। आई एम प्योर वेजिटेरियन, सॉरी, बट मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, बट इसलिए मेरे लिए वो औजार है मीट काटने वाला। तो मैंने देखा कि एक गाय अच्छी खासी बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी एक काव एक रस्सी के साथ बंधी हुई है एक पाइप से। सडनली एक आदमी आता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा सिलेंडर होता है, वही सिलेंडर जिसको हम 14 किलो 15 किलो का बोलते हैं, जो कि हम खाना बनाने के टाइम यूज़ करते हैं। वो भारी भरकम वो सिलेंडर बड़ी ज़ोर से उठाता है और उस गाय के सर पे दे मारता है। एक बार मारा, आई थॉट ये क्या कर रहा है, क्या हुआ इसको, इसने ऐसा क्यों किया। फिर सडनली देखते हैं कि अगेन उसने वापस से उसको हिट किया, फिर तीसरी बार उसने ज़ोर से उठा के वो सेम सिलेंडर उसके सर पे मारा। गाय को भी बेचारी को समझ नहीं आया होगा उसने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा क्या कर दिया कि उस आदमी ने उसको इतनी बेरहमी से मारा। सॉरी, मेरा गला भरा हुआ है क्योंकि मुझे तो शायद बोलने को भी नहीं हो रहा इस बारे में, बट आई हैव टू टेल। फिर उसके बाद बेचारी कैसे ना कैसे करके थोड़ी सी पलटी, तो वो कटर लाया जिससे ये लोग मीट को काटते हैं, वो बड़े से औजार से उसने उसके पीछे के घुटनों के नीचे जो एड़ी होती है, एड़ी के ऊपर उसने ज़ोर से मारा, वार किया। वार करने के बाद उसने एक साइड मारा, फिर दूसरी साइड मारा। बेचारी वो इतना तड़पी, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। एक दर्द, जब हम लोगों को एक सुई लग जाती तो कितना दर्द होता है, आप सोचिए उसको कितनी बुरी तरह उन लोगों ने मारा। बेचारी बैठ गई पीछे के पैरों से। जब वो बैठ गई उसके बाद भी उस गंदे आदमी को चैन नहीं मिला, उसको सुकून नहीं मिला। फिर उस इंसान ने उस बेचारी को जिसके पैरों से खून एकदम बह रहा है, दोनों उसके पाँव के ऊपर से खून बह रहा है, उसको उसने घसीटा, दो चार लोगों ने उसे घसीटा, उसकी रस्सी खोली, उसको ज़मीन पे पटक दिया और फिर उसी औजार से उसने उसके गले को धीरे धीरे काटा। आप लोग सच में बिलीव नहीं करोगे वो कितना दर्दनाक था, कितना दर्दनाक था। खुद सोचो कि एक जानवर बेचारा, जो एक वो गाय क्या खाती है, सिर्फ सिर्फ वो चारा खाती है, घास खाती है, वो तो मांस भी नहीं खाती। और आज के ज़माने में जहाँ कोई कोई कुछ गाय को खिलाता नहीं है, उसके लिए रोटी नहीं निकाल के रखता, कुछ नहीं करता, उसके बावजूद भी वो आप लोगों से कुछ उम्मीद नहीं करती। वो बेचारी सड़क पर पड़ी पॉलीथिन तक खा लेती है। आप लोग सोचो उस बेचारी माँ को इतनी बुरी तरह इन लोगों ने मारा, उसका क्या कसूर था। बट फिर भी चलो, वो अपनी मौत मर गई, बहुत तड़पी, बहुत तड़पी। वो देखने के बाद मैं बहुत रोई, सच में मुझे वो चीज़ इतनी इतनी हर्ट कर गई। मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा, शायद
ऐसे वीडियोस को मैं लगा के और देखूंगी ताकि मेरे दिल के अंदर ऐसे लोगों के लिए नफरत भरती चली जाए। लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से कहती हूँ, ये दुनिया में अगर भगवान है नहीं है चाहे जो भी है, ऐसे लोगों को पनिशमेंट, ऐसे लोगों को पनिशमेंट हर हालत में मिलेगी, हर हालत में। कल्कि अवतार कहते हैं आने वाले हैं आने वाले। मैं तो कहती हूँ भगवान इस दुनिया को ख़त्म कर दो, ये दुनिया है ही नहीं जीने लायक। जहाँ एक बेजुबान को काटा जाए, मारा जाए, खाया जाए, वो है ही नहीं, वो दुनिया जीने लायक है ही नहीं। मैं पता नहीं पेट लवर हूँ या नहीं हूँ, पर शायद मुझे सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है। शायद लोगों को, कुछ लोगों को वो बुरा लगना बंद हो गया इसलिए वो ऐसा क्राइम करते हैं, शायद उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। पर अगर वो खुद सोचें कि जब उनके पाँव पे इतनी ज़ोर से कोई वो हथियार से वार करेगा, इतनी ज़ोर से उनके सर पे कोई सिलेंडर मारेगा या उनको लेटा के उनकी गर्दन काटेगा, तो कितना दर्द होगा। दूसरे के साथ अत्याचार करने से पहले ज़रा अपने बारे में एक बार सोच लो कि जो तुम करने जा रहे हो अगर उसका 1% भगवान ने तुम्हारे साथ किया तो कैसा होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो गायें हैं तो भैया हम लोग उसको माँ मानते हैं तो सब सबको मानना चाहिए, बट एक जानवर के नाते, एक बेजुबान के नाते तो उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों इतना अत्याचार है, क्यों इतनी इतना गुस्सा लोगों के अंदर भर गया है कि उन्हें व्यक्त करने के लिए उनको उनको बेजुबानों को मारना पड़ता है। अरे इतना 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 दिल करता है ना मारने का, तो कृपया करके वो हथियार से थोड़ा सा अपनी नस काट लो, अपने पे चला लो। क्यों दूसरे को जाके बेजुबानों को मारना। मेरी प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग ऐसा करते हैं, उनको तो एक्चुअली समझाया नहीं जा सकता, फिर भी मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि भगवान करके, खुदा करके, अल्लाह करके, जो भी जी, भैया मुझे इतने भगवानों के शायद नहीं पता, फिर भी सारी दुनिया के सारे भगवानों को ले लेती हूँ और उन सब की तरफ से बोलती हूँ कि भगवान कि प्लीज़ ये अत्याचार करना बंद कर दो। आप लोग ये अत्याचार करना बंद कर दोगे तो शायद शायद कुछ अच्छा हो जाए, ये दुनिया को जीने लायक बना लो। दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। अगर जो लोग समझना चाहते हैं समझें, अच्छी बात है। जो नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक्स गाइस कि एटलीस्ट आपने मेरा ये वीडियो सुना। अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा। कुछ और लोग होंगे जो एनिमल्स लवर होंगे, वो शायद इस चीज़ को समझ पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।